आपको बता दें, जिला आबकारी विभाग ने कल शाम लाखों की शराब को आबकारी विभाग के दफ्तर के पास ही गड्ढे खुदवाकर सभी अधिकारियों की मौजूदगी में नष्ट किया। बताया जा रहा है, शराब की गाड़ियां लखनऊ से प्रयागराज के लिए जा रही थी, जो रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसमें बड़ी संख्या में शराब की पेटियां क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें रखी हुई बोतलें पेटियों के अंदर काफी संख्या में टूट चुकी थी। उन्हीं बोतलों को आबकारी अधिकारी ने अपनी निगरानी में नष्ट कराया। सुरक्षित पेटियों को गाड़ियों में भरकर प्रयागराज के लिए भेजा। ये शराब की बोतलें ब्रेकेज थी, जो गाड़ियों में माल आने से उन्हीं में कई पेटियां ब्रोकरेज में हो गई थी। ब्रोकरेज माल को ही आबकारी विभाग ने नष्ट किया था। सर, कल कुछ शराब की बोतलों को नष्ट कराया गया, क्या था पूरा मामला? ये प्रकरण ये था कि एक गाड़ी चली थी लखनऊ से प्रयागराज के लिए, वो बीच में एक्सीडेंट हो गया था, जिसके कारण मदिरा क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिसमें जो सुरक्षित पेटियां थी उनको प्रयागराज भेज दिया गया है, और जिनके QR कोड जिनके स्कैन नहीं हो पा रहे थे उनको नष्ट कराया गया। कितनी कीमत रही होगी? लगभग 2 लाख रुपये कीमत थी।